लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी सांवरिया। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप रहस्य अंग अंग में समानी, हिरत हिरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय जय श्री श्याम। भक्त जनों, मुरली वाले श्याम के दीवाने वैसे तो दुनिया के कोने कोने में हैं, मगर रसखान की गिनती कुछ खास कृष्ण भक्तों में होती है। मुसलमान होते हुए भी रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त बने। 1558 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान
कृष्ण भक्ति के कारण कबीरस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इस पूरी कथा में हम आपको बताएंगे कि सैयद इब्राहिम खान आखिर कबीरस खान कैसे बने। एक दिन खान साहब पान खाने एक पनवाड़ी की दुकान पर जाते हैं। दुकान पे उनकी नज़र बाल कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती है। खान साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई ये प्यारा सा बालक कौन है, इसका इतना सुंदर शरीर है मगर पैरों में जूते नहीं हैं। पनवाड़ी ने बोला, खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसके जूते आप ही बनवा के ले आओ ना। खान साहब अगले ही दिन श्याम के लिए चरण पादुका बनवाकर और पान वाले के पास जाकर उससे पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, वाले ने देखा कि रसखान तो चरण पादुका लेकर आ गया। तब पान वाले ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए रसखान से कहा, देखो भाई ये नन्हा बालक कहां रहता है मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछो। उसके बाद अपने दिल में श्याम की सूरत बसाए रसखान हर किसी से पूछने लगते हैं, वो नन्हा सा बालक है सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, ने देखा कि रसखान उनको ढूंढ रहा है और वो भी बाल रूप में। तब प्रभु कृष्ण ने सोचा कि रसखान तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा और प्रभु कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर रसखान के पास आए और उनकी सारी बातें सुनकर उनसे कहने लगे, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहता कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी, कोई
उसके, नाम हजारों ही है उसके, और कई है धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, वेश में कृष्ण जी रसखान को वृंदावन आने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रसखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रसखान एक पल की भी देरी किए बिना वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते थक हार कर रसखान जी वृंदावन पहुंचते हैं। बिखरे बाल, सूखा चेहरा, थका बदन, रसखान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रसखान जी अन्य समुदाय के थे, इसलिए उनको पुजारियों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। शाम मिलन को व्याकुल रसखान जी रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब को मन में विश्वास था कि शाम उनसे जरूर मिलेंगे। और इसी विश्वास में खान साहब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, शाम की जैसी छवि भक्त रसखान ने अपने हृदय में बसा रखी थी, ठीक वैसी ही छवि का बालक शाम रसखान की गोद में बैठा था। रसखान मानो खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उनकी आंखों से
खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा खान साहब ने जब देखा कि श्याम के पांव घायल हुए पड़े हैं, तब खान साहब रो रो कर श्याम से कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। तब प्रभु कृष्ण उनसे कहने लगे, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। भगवान और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कभी देखने को मिले। और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने रसखान से कहा कि हे मेरे परम भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन पैदल चलकर आया हूँ ताकि आपसे चरण पादुका लेकर मैं पहन सकूँ। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। श्याम मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा खान बनारस खान। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम,
अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ममता
कृपा की शीतल छाया तेरे बरसाने में है। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, शाम मेरे शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले शाम। मुकुट की शोभा निराली, प्यारी सूरत भोली भाली, बड़ा पावन शाम, बड़ा पावन है वृंदावन धाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। दे दो अपने चरणों में ठिकाना, अपने चरणों में ठिकाना। मन का मंदिर बन जाए बरसाना, मन का मंदिर बन जाए बरसाना। रवि करता मेरे शाम, रवि करता रहे गुणगान, ओ मेरे अलबेले श्याम।
सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा। लागे वृंदावन प्यारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा। मस्ती में झूमे कदम की डाली, मस्ती में झूमे कदम की डाली, जमुना जी का किनारा, रखवाला स्वयं जहां का, है रखवाला स्वयं जहां का, नंद का राज दुलारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा। मिट्टी ब्रज की माथ लगे तो, मिट्टी ब्रज की माथ लगे तो, मिल जाए सुख सारा, तन हो निर्मल मन हो पावन, तन हो निर्मल मन हो पावन, जाए जो एक बारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा, सखीरी मोहे लागे वृंदावन प्यारा।
रास रचैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया। निज भक्तों का सहारा मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, श्याम प्रभु तो अन धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाए अंधियारी रात। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात।
एक बार तो राधा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
ठाकुरानी है राधे रानी, पूजते हैं जिन्हें संत और ज्ञानी, जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, श्याम प्रभु को पाएगा, श्याम प्रभु को पाएगा। राधे जो की कृपा जो होती, पत्थर भी बन जाते मोती, सब संभव हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, श्याम प्रभु को पाएगा।